का पवित्र आत्मा का पौधा रोपा जाएगा, वो पौधा रोपा जाएगा जो भाइयों बहनों, मैं फिर आज के आपके सामने में हम पढ़ते श्रीमती रोजी अंदाज, तुम में कोई हानिकारक पौधा पनपने ना पाए। आज मैं आपके सामने जो वचन को लेकर प्रस्तुत हुई है भाई बहनों, आपकी ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की महिमा के लिए और आप सबों के प्रोत्साहन के लिए मैंने जो आज का विषय लिया है वो है अपने आप को अपवित्र ना करें। सुंदर वचन प्रभु कहते हैं, जिसके लिए मैंने बाइबल से वचन लिया है, दानियल रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 और उसकी पद संख्या 8 के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है उसने जवान भले लिया, परंतु दानियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि राजा के उत्तम भोजन से और उसके दाक मधु से जो वह पीता था तो अपने आप को अपवित्र ना करे। अतः उसने खोजों के प्रधान से निवेदन किया कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े। सिनाई पर्वत पर चढ़ जाया करता था। बाइबल में वर्णन है दानियल का, जो लगभग 17 वर्षीय किशोर था, जिसने बाबुल में एक गुलाम के रूप में रहते हुए भी अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दी। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं को अपवित्र नहीं होने देगा। वह आत्म संयम के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला। उसका जीवन सभी के लिए गवाही और आशीष का कारण बना। उड़ाऊ पुत्र ने परमेश्वर के बदले संसार के भोग विलास को चुना। उसकी आज्ञाओं की अवहेलना कर मनीमानी की और उसका जीवन बर्बादी के कगार पर जा पहुंचा। आज अनेक लोगों के उदाहरण हमारे सामने हैं। हाँ भाइयों बहनों, अनेक लोगों के उदाहरण हमारे सामने हैं जो परमेश्वर के बदले संसार को अपने जीवनों में, परिवारों में प्राथमिकता देते हैं। वे परमेश्वर के मूल्यों, मापदंडों और सिद्धांतों को तुच्छ जानकर अपनी मनमानी करते हैं। संसार के विभिन्न भोग विलासों के द्वारा अनेक अनैतिक कार्यों में संलग्न होते हैं। इनके जीवनों में परमेश्वर का भय नहीं होता और ना ही आत्म संयम की कोई वजह होती है। इन्हें नशे, अनैतिक संबंध, गैर कानूनी कार्य, अश्लील साहित्य, फिल्म, अपराधों आदि से कोई परहेज नहीं होता। इन सब के द्वारा वे हम स्वयं को अपवित्र करते हैं और फिर हमारी बर्बादी उड़ाऊ पुत्र के समान होती है। आज फिर एक नया दिन परमेश्वर ने हमें नई शुरुआत के रूप में दिया है, जो उसकी बहुत बड़ी आशीष है। हम आत्म मूल्यांकन करें, परमेश्वर को अपने जीवनों में सर्व प्रमुख स्थान दें। निर्णय करें कि हम किसी भी बात से स्वयं को अपवित्र नहीं करेंगे। आत्म संयम से परमेश्वर की आज्ञाओं की धारी में आगे बढ़ें, तभी हमारे जीवन विभिन्न बुराइयों से सुरक्षित, उपयोगी व सार्थक होंगे तथा अनंत जीवन की निश्चिंता हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि कई लोगों का कहना है कि वे हमसे सवाल करते हैं, कई मतलब उन लोग भविष्यवक्ताओं से ये सवाल करते हैं कि अगर वह विचार पाप है और शरीर की अभिलाषाएं हमारे, तो ये हमारे ये अभिलाषाएं हमारे अंदर क्यों डाली गई। भाई मैंने उनका ये प्रश्न होता है कि ये वह विचार हमारे अंदर डाला क्यों, तो इसके लिए हम उनका कहना है कि अगर ये विचार हमारे अंदर डाला गया तो जिसके कारण हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और हम गलत कार्य करते हैं और हम पाप कर बैठते हैं। लेकिन आप आज का ये संदेश भाइयों बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि उनका जो ये सवाल है, कई लोगों का ये सवाल है भाइयों,
तो वो उनको उसका जवाब उनको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने इस विषय के लिए हमने जो विषय बाइबल से वचन लिया है वह उपदेशक ग्रंथ से, उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 3 उसका 18-20। वो क्या कहता है, राजा सुलेमान ये कहता है, मैंने मनुष्यों के विषय में अपने मन में यह सोचा है कि ईश्वर उनकी परीक्षा लेता है, जिससे वे समझें कि वे पशुओं जैसे हैं। मनुष्यों की गति पशुओं की गति जैसी है, दोनों की अंत गति एक जैसी है। जैसे पशु जिस तरह पशु मरता है, उसी तरह मनुष्य भी मरता है। सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। इस वचन का संदर्भ लोग समझ नहीं पाता। मनुष्य पशुओं के समान है। वह मनुष्य पहले पशु समान नहीं थे, आगे पशु समान नहीं रहेंगे। उनका जवाब है, आदम पहले पशु समान नहीं था, पहले वह पशु समान नहीं था। हाँ भाई बहनों, आदम पहले पशु समान नहीं था, वह परमेश्वर की समानता में था और परमेश्वर के स्वरूप में था। इसलिए लेकिन इसके बाद आदम पहले पशु समान नहीं था, पहले वह पशु नहीं था, लेकिन उसने फल खा लिया और उसके बाद वह सृष्टि का हिस्सा बन गया। और सृष्टि के 3 नियम जो इस प्रकार हैं, जीवन के लिए संघर्ष, दूसरा प्रजनन और तीसरा मृत्यु। सृष्टि में प्रत्येक प्राणी पर ये 3 नियम लागू होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उस पर ये 3 नियम लागू नहीं होते। उसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। जैसे जीवन के संघर्ष के लिए हम जो देखते हैं भाइयों बहनों, उसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ का 2 और उसके संख्या 17। उससे परमेश्वर ने कहा था आदम से कि किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। मतलब उस समय से आदम इस सृष्टि के नियम में भागीदार हो गया है और उससे उसको 2 चुनाव परमेश्वर पिता ने दिया था, जिससे उसने गलत चुनाव अपने लिए कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मर जाएगा का मतलब परमेश्वर ने चुनाव दिया था, या तो तू आत्मिक स्वरूप में रहना चाहता है या इस फल को खाकर सृष्टि का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन आदम ने फल खा लिया और सृष्टि के नियम के अंतर्गत उसका जीवन आ गया। अब हम दूसरा जो नियम है भाई बहन प्रजनन, उसके लिए उत्पत्ति का 3 और उसकी 17-19 में देखते हैं। उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे, वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। अतः यहाँ से भाइयों बहनों आदम का जो संघर्ष है वो शुरू हो गया। इसके बाद दूसरा नियम जो था प्रजनन भाइयों बहनों हम देखेंगे उसको उत्पत्ति ग्रंथ की 3 उसके पद संख्या 16 में देखेंगे। स्त्री से वह यह कहा,
मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। फल को खाने से पहले वो पति के प्रति आसक्त नहीं थी। बच्चे जन्म देने की क्रिया में वह भूल जाती है और लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद वो पुनः पति के प्रति आसक्त हो जाती है। अतः अब आता है तीसरा नियम, मृत्यु, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ के 30 उसके पद संख्या 19 में देखेंगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओ। यहाँ पे आता है तीसरा नियम, मृत्यु। आदम ने अपने को पूर्ण सृष्टि का बना लिया, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं भाई बहनों, जबकि आदम ने अपने आप को पूर्ण सृष्टि का बना लिया, उसे अदन वाटिका से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर आदम से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमसे भी बहुत प्यार करता है भाई बहनों। परमेश्वर ने आदम से सृष्टि का हो जाने के बाद भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो आदम से बहुत प्यार करता है, उसने उसे नहीं छोड़ा। उड़ाऊ पत्र का दृष्टांत ऐसे ही समझ लेते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को पशु बनने के बाद भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मनुष्य को आदम की संतानों को फिर से दो चुनाव दिए, या मेरी आज्ञा पालन करो मेरे स्वरूप और मेरी समानता में आ जाओ, और या फिर तुम अपने आदम की तरह पशु का जीवन जियो और अंत में मर जाओ। इसको हम स्त्रोत ग्रंथ में देखते हैं भाई बहन, स्त्रोत का 49 उसका अध्याय पद संख्या 13। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। प्रभु हमको दोबारा हम इस पशु शरीर के जीवन और इस सृष्टि के नियमों से भाई बहन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम निकल सकते हैं और दोबारा हम फिर से हम परमेश्वर की समानता में परमेश्वर के स्वरूप में आ सकते हैं भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है, उसमें इसको हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 3 और पद संख्या 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ भाई बहन, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, इसके बाद हम 1 कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 और उसकी पद संख्या 45-49 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी भाई बहन बाइबल से। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवन प्राणी बन गया। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा, जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है, और मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। हमारी पहचान भाइयों मसीह होने से नहीं है, हमारी पहचान चर्च जाने से नहीं है। ये हम वचन था भाइयों बहनों, जो अध्याय 15 उसका 45 से 49।
उसके बाद जो की वचन है भाइयों बहनों जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं वो है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके और प्रभु यीशु के साथ चलकर हम इस वचन के द्वारा जो चाहता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूं। एक कुरिन्थियों का ही है भाई बहनों, एक कुरिन्थियों को 15 और उसका 55-18। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? और उसने आगे कहा, तो भाइयों बहनों इस प्रकार हम प्रभु यीशु के पे विश्वास करके हम पुनः अपना ये पशु शरीर का जो हमारा जीवन इस संसार में है भाइयों बहनों उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। भाइयों बहनों मैं चाहती हूँ कि आज के इस विषय पर आप इन बाइबल के वचनों पर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग समझ सकें कि वो जिस प्रकार का वो सवाल उठाते हैं उनके मन में जो इस प्रकार की भावना है तो वो समझ सकें कि किस प्रकार हम पहले तो हम परमेश्वर के तुल्य थे, परमेश्वर के स्वरूप में थे, परमेश्वर की समानता में थे, लेकिन आज हम जीवित नहीं रहा। आदम ने जो उस फल को खाकर पशु शरीर का अपना जीवन अपना लिया प्यारे प्रभु जी, उसी पर हम चल रहे हैं, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों मेरे आपसे विनती है, निवेदन है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस बात को समझ सके प्रभु के वचनों के द्वारा मनन चिंतन करें और पाप न करते हुए अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीते हुए प्यारे प्रभु प्यारे भाइयों बहनों और अपने जीवन को इस कोरोना काल में इस कोविड की बीमारियों से बचकर और कई ऐसी अपने जीवन को नष्ट न करें और पाप में पढ़कर अपने जीवन को नष्ट ना करें और वह प्रभु के वचनों को पढ़कर अपने जीवन को अच्छी तरह जीकर अपना जीवन जीने प्यारे भाइयों में। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता हमारी सहायता कर कि हम अपने आप को संसार की हर एक बुराई से अशुद्ध होने से बचाएं और हमारे जीवन तुझे ग्रहण योग्य हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय शिव भाई मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं और इस प्रकार के वचनों को लेकर आपके सामने आशीषों से भर दिया है, आनंद से भर दिया है, खुशियों से भर दिया है। क्रूस पर उसने अपने प्राण को देकर हमारे लिए आशीषों के भंडार मेरे भाई मेरी बहन खोल दिए।